हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक वेलवेट का बेडशीट जो बहुत प्यारा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वेलवेट का कपड़ा लिया है मैंने। देखिए फ्रेंड्स, ये वेलवेट का कपड़ा है जो कि बिल्कुल 2 मीटर है ये, और 1 मीटर ये मैंने गोल्डन लिया है। आप चाहे कोई भी कलर से बना सकते हैं। और ये मैरून कलर का 2 मीटर, ये 1-3 मीटर। मार्केट में फ्रेंड्स 1200, 1400, 1000 से नीचे कोई भी वेलवेट बेडशीट नहीं मिलता है, लेकिन आप इसको मात्र 300 रुपये में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 100 रुपये मीटर वेलवेट का कपड़ा मार्केट में मिलता है। तो 2 मीटर आपको ये लेना है और 1 मीटर ये। और सबसे पहले फ्रेंड्स, ये तो हमने नीचे रफल के लिए लिया है, तो इसको हम साइड कर देंगे। और सबसे पहले हमारा ये बेड है, इस पर मैं ये वेलवेट बेडशीट को बिछा के देखूंगी। वेलवेट जो ये कपड़ा है, मैं पास सबसे पहले इसको बिछाऊंगी, एडजस्ट करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने एडजस्ट करके इसको मैंने बिछा लिया है फ्रेंड्स। लेकिन हमारे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा हमारा इस साइड में हमारा वेलवेट थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन इस साइड में हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, 10-12 इंच का ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस साइड से कट करके और हमें इस साइड में ज्वाइंट कर देना है। और ये फ्रेंड्स साइड से जो है फ्रेंड्स, एकदम थोड़ा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए ताकि हम रफल डालें तो हमारा ये बराबर आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इस साइड से हम ये 10-12 इंच का कपड़ा जो एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा, इसको निकाल के हम इस साइड में ये लंबा ज्वाइंट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये साइड से मैंने ये कपड़ा इसको ज्वाइंट कर दिया है और ये बिल्कुल बराबर हो चुका है। देखिए, ये चारों तरफ मेरा बराबर हो चुका है। और हमें इस साइड से क्या करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा ही इस तरह आधा इंच ही छोड़ना है बस सिलाई मार्जिंग के लिए। बिल्कुल बराबर हमें चारों तरफ से इसको रखना है। यह ज्वाइंट हो गया है मेरा। मेरे पास एक ये लेस है, तो मैं इसको जो मैंने सिलाई लगाई है ये साइड में, मैं इस पे लेस को कवर कर दूंगी ताकि ये और खूबसूरत भी लगेगा और हमारा साइड से सिलाई भी नहीं दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, लेस मैंने लगा लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लेस अटैच कर लिया है इसमें। अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा बेड पे कवर हो चुका है। और ये एक लैस है मेरा, लैस से और प्यारा लग रहा है ये। रात का समय है फ्रेंड्स, इसलिए आपको वेलवेट का कलर नहीं पता चलता होगा, लेकिन ये वेलवेट बहुत प्यारा है, मैरून कलर का है ये। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है, हमारा जो साइड में ये जो हमारा पलंग का ये होता है, ये इसका हम लंबाई का नाप ले लेंगे। लंबाई का नाप लेके हम और उसी तरह हमने जो गोल्ड कलर का कपड़ा लिया था वेलवेट, उसको हम कट करके चारों तरफ हम इसी नाप से हम चुन्नट बैठा लेंगे। और फ्रेंड्स, वो हमारा जो आगे वाला साइड है उसमें हम रफल नहीं ऐड करेंगे, बस सीधा सा कपड़ा ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि उसको तो हमको अंदर डाल देना है। वो अंदर डालने से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा चादर ये वेलवेट है, थोड़ा भी सरकेगा नहीं। तो इस साइड फ्रेंड्स हमें कोई रफल ऐड नहीं करना है, सिर्फ सीधा कपड़ा ज्वाइंट कर देना है और उस कपड़े को हम इसके अंदर लगाएं के तब हम अपना बेडशीट बिछाएंगे जो बहुत प्यारा लगेगा। मैं आपको इसमें रफल ऐड करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बेडशीट का फाइनल लुक, मैंने इसमें फ्रिल ऐड कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चारों तरफ फ्रिल लगाया है और आगे से मैंने कोई भी फ्रिल ऐड नहीं किया है, क्योंकि उसको हम अंदर डाल देते हैं तो वो हमारा अंदर ही चला जाता है। बस थोड़ा सा आपको कपड़ा लगा लेना है 10 इंच के आसपास, क्योंकि वो तो अंदर ही जाएगा। ये देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये कोई भी नहीं कहेगा कि आपने इसे बनाया है, एक बार बनाइए आप। और ये ठंडे में तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत गर्म करता है ये बेडशीट। देखिए फ्रेंड्स, ये चारों तरफ से फ्रिल है, ठंड के दिन में बहुत अच्छा लगता है इस पर। आप इसको गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं, गर्मी में भी बहुत प्यारा लगेगा। अभी आपके यहाँ कोई गेस्ट आया तो बिछा दीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड।